क्वेश्चन को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसको क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो सबसे बड़ी समस्या इस रूट की है ना, रूट को हटाया जाए किसी तरह से, ये सबसे पहले अटेम्प्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो क्या करें हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को कुछ टी स्क्वायर प्लेस कर देते हैं। और ऐसा करने से जब टी स्क्वायर रखोगे तो अंडर रूट टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो आपकी थोड़ी समस्या कम होगी। लेकिन आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेगा, उसके साथ हम लोग आगे देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि वेरिएबल डी एक्स को भी हमें रिप्लेस करना है। तो ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का जीरो हो जाएगा, तो ए डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी हो गया, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा, ए से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। अब देखिए डी एक्स को आप रिप्लेस कर दोगे टू टी बाई ए डी टी लिख के, और इसको क्या लिख दोगे, ए एक्स प्लस बी को लिख दोगे आप टी स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका होगा आपका टी में, तो टू टी बाई ए डी टी। अब देखिए टू बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टू बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, टी ए और टी ए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। अब ये इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टू बाई ए टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी हो गया, कायदे से लिख लेते हैं, टी में वैसे भी आंसर नहीं छोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा टू बाई थ्री ए और टी क्यूब। टी क्या था आपका, टी यहाँ से देखिए तो टी जो आपका है ए एक्स प्लस बी की पावर वन बाई टू है, है ना। तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर वन बाई टू, अच्छा इसका भी क्यूब है, ठीक है, और प्लस सी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे एक्सपोनेंट, तो ये थ्री इंटू वन बाई टू क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। तो इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करके थ्री बाई टू लिख देते हैं, तो दैट इज़ योर आंसर।